हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र से वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक बुजुर्ग को वैक्सीन लगाने ने प्रशासन ने बड़ी लापरवाही कर दी। 72 साल के बुजुर्ग को दो अलग अलग वैक्सीन लगाई गई जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग को 22 मार्च को कोवैक्सीन तो 30 अप्रैल को कोविशील्ड की डोज दी गई। 7 मई तक बुजुर्ग की बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स नजर आए। हेल्थ अधिकारियों ने कई दिनों तक बुजुर्ग के साथ हुई इस लापरवाही को बाहर नहीं आने दिया और बुजुर्ग को उनके घर जाकर दवाइयां देते रहे, लेकिन फिर एक रिश्तेदार के जरिए यह बात सामने आई तो हेल्थ डिपार्टमेंट की घोर लापरवाही का पता चला। तो ये जो खबर सामने आई है ये ना सिर्फ लापरवाही की ओर इशारा कर रही है बल्कि बता रही है कि किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दरअसल उन्हें दो अलग अलग वैक्सीन दी गई हैं। 22 मार्च को जो पहली डोज उन्हें दी गई थी वो कोवैक्सीन की थी और उसके बाद एक महीने बाद जो उन्हें दूसरी डोज दी गई वो कोविशील्ड थी, जिस कारण उनके शरीर में अलग अलग तरह के सिम्टम्स सामने आने लगे, उनको कई तरह की परेशानी होने लगी और उसके बाद जब अधिकारियों को पता चला, स्वास्थ्य अधिकारियों को, तो उन्होंने घर जाके दवाई भी दी। मेरे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, बहुत बड़ी लापरवाही ये सामने आई है जब हमें ये मालूम है कि एक ही वैक्सीन दोनों डोजेज में देनी है, तो कैसे ये लापरवाही हुई? बिल्कुल, जो देखिए ज्योत्सना, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी लापरवाही हेल्थ वर्कर की तरफ से हुई है, उन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है जो टीकाकरण का काम कर रहे थे। और जालना के जनार्दन वाघमारे जो करीब 72 साल के हैं, इन्हें 22 मार्च को जो है को वैक्सीन दी गई थी और 30 अप्रैल को कोविशील्ड दे दी गई। ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि जब पहली डोज देते हैं वैक्सीन की तो उस पहली डोज का सर्टिफिकेट जो है लेते हैं दूसरी डोज देते समय। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एसओपी है ये, लेकिन इस एसओपी को फॉलो नहीं किया गया। जल्दबाजी में उनकी पहली डोज कौन सी थी उसकी जानकारी न लेते हुए दूसरी डोज कोविशील्ड की दे दी गई, जिसके बाद उनकी तबियत 4-5 दिन 6 दिन लगातार बुखार और बाकी मितली और उल्टी की शिकायत उन्हें रही। और बाद में उनको घर जाकर जो है, जब इनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वैक्सीन देने वाली टीम है, जब नगर निगम के लोगों को ये पता चला कि ये बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसके बाद बहुत दिन के बाद ये बात सामने आई जब एक रिश्तेदार के जरिए ये बात मीडिया को मालूम पड़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी ऐसी गंभीर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, इनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है, कोई क्रोनिक डिसीज का शिकार है, कोई डायबिटीज ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो उस मरीज की जान पे ये बात आ सकती है। और ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस मामले में एक जांच कमेटी बिठाई गई है जालना नगर निगम की तरफ से और इस मामले की जांच चल रही है। ज्योत्सना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जेपी आपका तमाम जानकारी के लिए। राहत की बात यह है कि बुजुर्ग की तबियत ठीक है, लेकिन चिंता की बात यह कि इस तरीके से हेल्थ वर्कर्स ने कैसे गलती की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।